हरदोई पहुंचे बीजेपी नेता डॉक्टर अशोक वाजपेयी ने कांग्रेस नेताओं पर जमकर हमला बोला। उन्होंने पी चिदम्बरम के धारा 370 पर कहा कि कांग्रेस ने जो गुनाह किए हैं उन्हीं गुनाहों की सजा आज देश भुगत रहा है। वहीं प्रियंका गांधी के सोनभद्र दौरे पर कटाक्ष करते हुए कहा कि उससे पहले भी वो वहां जा चुकी हैं और फिर जाए, देश में कहीं भी जा सकती हैं और केवल घड़ियाली आंसू बहाने का काम करती हैं। जितनी कार्रवाई होनी थी पूरी कार्रवाई सरकार ने जिस मुस्तैदी के साथ की है। उन्होंने कहा कि कश्मीर में गिलानी समेत अलगाववादियों पर कठोर कार्रवाई होनी चाहिए। मैं समझता हूं कि चिदम्बरम जी को बहुत सोच समझ कर कहना चाहिए था और ये बात धारा 370 कहीं देश के अगर जैसा उन्होंने कहा किसी हिंदू बाहुल्य इलाके में तो धारा 370 लगाने की कभी आवश्यकता पड़ी नहीं। और वहाँ से जिस तरह से कश्मीरी पंडितों का करीब 4-5 लाख कश्मीरी पंडितों को किस तरीके से वहाँ मस्जिदों पर खड़े होकर के ऐलान किया गया कि अपनी जायदाद और अपनी बेटियाँ छोड़कर यहाँ से चले जाए कश्मीरी पंडित, उस समय उनको याद नहीं आया कश्मीर की कांग्रेस की सरकार थी कि उन गरीबों की भी सुनते उन कश्मीरी पंडितों की रक्षा करते और आज इस तरह के बयान दे रहे हैं। इस देश के साथ जितने गुनाह किए उसमें कांग्रेस की बड़ी हिस्सेदारी है और देश उसको भुगत रहा है।